छत्तीसगढ़ में लोक असर संस्था ने राष्ट्रीय रिसर्च सेमिनार का आयोजन दिल्ली चौक बालोद के होटल ग्रू ग्रेस पर किया। बदलते दौर में शिक्षा नीति की संभावनाएं और चुनौतियों पर संगोष्ठी में अनेक राज्य के विद्वान, बुद्धिमान और साथ ही में विचारकों ने अपने अपने मत रखे। शिक्षा नीति कोई भी हो, उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन का सम्मिलन होना जरूरी है। प्रत्येक देश की पहचान उसकी संस्कृति के कारण होती है, जो कि संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। विश्व में भारतीय संस्कृति का स्तर सबसे उच्च स्तर स्वीकार किया गया है, जिसका मूलाधार यह है कि संस्कृति के शाश्वत और चीर स्थायी मूल्य हैं। लोक जीवन में भी उनके सांस्कृतिक मूल्य निर्धारित होते हैं, जिनका समाज के लोगों को शिक्षा, जीवन यापन, सामाजिक व्यक्तिगत व्यवहार, परंपराएं आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कानून, नैतिकताएं और ज्ञान, विश्वास और संचार की कला को सम्मिलित किया जा सकता है। संस्कृति के माध्यम से ही एक समाज को दूसरे समाज से पहचान मिल सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक गोष्ठी हुआ है, विद्वान लोगों को बुलाया गया छत्तीसगढ़ के और बाहर से आए, दिल्ली से भी आए और भी जगह से आए, तो उन सारे लोगों को बुला करके गोष्ठी किया गया, जानकारी ली गई। शिक्षा नीति के ऊपर काफ़ी चर्चा किया गया, काफ़ी विद्वान लोग हैं। सबको ये महसूस हो रहा है इसमें एक हताशा नज़र आ रहा है, क्योंकि बोला जाता है कि इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे और शिक्षा के बजट को उपयोग भी नहीं हो रहा है। 2% लाया गया, 6 से 2 तक आ गया, 2 का भी 0.5% भी खपत नहीं हो पा रहा है। निजीकरण की ओर हम बड़े तेजी से भाग रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा का इंडिकेटर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इन बातों को देखा तो उन्हें एक चीज महत्वपूर्ण बात मिली, वो है कबीर का साहित्य। तो उन्होंने उसी को आधार पर मानकर द शॉर्ट पोएम्स ऑफ कबीर एक गीतांजलि नामक एक कृति लिखी, जो इस देश को बहुत बड़ा धरोहर है और उससे वजह उसको नोबेल प्राइज मिला। इस तरह की संगोष्ठी कैसे असर डालेगी समाज? इसके बार बार हमें इस प्रकार के आयोजन किया जाता है। हमारा उद्देश्य लोगों के अंदर जन चेतना डालना है। क्लावन चंद्रा कार की रिपोर्ट।